आइए अब आपको मन्नत के 125 साल के इतिहास के बारे में बताते हैं। इसी बंगले के पास स्थित एक ही मंजिल का भी इतिहास मन्नत से जुड़ा है। मन्नत की जड़ों में जाओ तो ये कहानी 19वीं सदी के आखिर में शुरू होती है। तब हिमाचल प्रदेश के मंडी रियासत के राजा विजय सेन ने अपनी पत्नी के लिए ये शानदार बंगला बनवाया था। विजय सेन के निधन के बाद उनके वंशजों से ये बंगला 1915 के आसपास गुजराती मूल के पारसी कारोबारी मानिक जी बाटलीवाला ने खरीद लिया। मानिक जी बाटलीवाला ने आगे चलकर ये विला अपनी बहन खुर्शेद बाई और उनके पति को सौंप दिया और खुद एक ही मंजिल में रहने चले गए। खुर्शेद की कोई संतान नहीं थी। उन्होंने अपनी छोटी बहन गुलबानो को विला वियना के अधिकार सौंपे। गुलबानो के बेटे नरिमन दुबार से ही शाहरुख ने ये बंगला 2002 में खरीदा। 1915 में विला वियना के मालिक मानिक जी बाटलीवाला की बेटी रोशन और दामाद मिनोचेर गांडी ने विला वियना के साथ वाला प्लॉट खरीद कर एक ही मंजिल नाम की इमारत का निर्माण किया।